राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो जी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के स्वाभिमान की, महिलाओं की सेहत की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं की शिक्षा की, सारी जो इस बीच चीजें प्रियंका गांधी ने गाँव गाँव जाके अपना जो सर्वे कराया वो महसूस किया कि महिलाएं सभी इन चीज़ों से वंचित हैं। आज उन्होंने महिलाओं में जो सम्मान की बात कही है, महिलाओं में जो स्वाभिमान की बात कही है, उसकी अगुवाई प्रियंका गांधी जी कर रही हैं और बांगड़मुमे में आरती वाजपेयी, हर महिला के सम्मान के लिए किसी भी समय किसी भी क्षण लड़ना पड़ेगा तो मैं सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ूंगी। इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पब्लिक फोरम पे लड़ना है अपने सम्मान के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए। क्या महिला, सबसे पहले मैं प्रियंका दीदी को धन्यवाद करना चाहूंगी और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिया है, मुझे टिकट दिया है। प्रियंका दीदी ने जो एक नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 40% महिलाओं को जो टिकटों में अधिकार दिया है देकर उन्होंने महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। मैं सभी लोगों से, भाई बहनों से और भाइयों से मिलकर उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं चुनाव में जीतूंगी और 2022 में प्रियंका जी की सरकार बनने का बनाने का प्रयास करूंगी।